दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गूगल फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। गूगल फॉर्म कैसे वर्क करता है और उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं गूगल फॉर्म कैसे बनता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिलता रहे। गूगल फॉर्म बनाने से पहले मुझे ये जानना पड़ेगा गूगल ड्राइव होता क्या है। जैसे दोस्तों गूगल ड्राइव पे जैसे सारे फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे आप अपने लैपटॉप में सेव करते हैं। लैपटॉप हमारा लोकल डिस्क हो गया और गूगल का एक क्लाउड बेस्ड ड्राइव है। दोस्तों ये इसे हम ओपन कैसे कर सकते, सबसे पहला मेथड यह है कि आप ड्राइव, हाँ तो दोस्तों इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यह गूगल ड्राइव नाम दिया हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि आखिर इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव पे आप देखिए न्यू, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, गूगल डॉक्स बना सकते हैं। गूगल डॉक्स दोस्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा ही, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है सेम गूगल डॉक्स होता है। इस पे आप बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, इसका फीचर मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए मैं आपको ले चलता हूं गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म दोस्तों, गूगल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है, कोई फॉर्म भरते हैं, तो सेम वही फॉर्म आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं गूगल के हेल्प से। यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म, न्यू पे गए, मोर पे क्लिक करते हैं, गूगल फॉर्म का एक ऑप्शन आ गया आपके पास। अब येरो पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, आप ब्लैंक फॉर्म करना चाहते हैं यार, या कोई टेम्पलेट जो प्री डिफाइंड है पहले से बना हुआ उसे आप यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों अब आज सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक फॉर्म पे ले जाना चाहता हूँ। ये देखिए ये है अपना ब्लैंक फॉर्म, इसे आप अपने ढंग से बना सकते हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन किसी से लेना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले एक फॉर्म का नाम दीजिए, मान लो आप फॉर्म का नाम दिया स्टूडेंट डेटा फॉर्म, स्टूडेंट डेटा फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और भी जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, फाइल कोई अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी स्टूडेंट डेटा फॉर्म में सबसे पहले नाम ऐड करता हूँ, नेम। दोस्तों जैसे ही मैंने नेम ऐड किया, यहाँ पे उसने मुझे शॉर्ट आंसर का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया। दोस्तों ये देखिए शॉर्ट आंसर, यहाँ पे आप चेंज से कर सकते हैं अपने ढंग से, अगर आप नाम शॉर्ट आंसर में नहीं देना चाहते हैं, पैराग्राफ में देना चाहते हैं, बेसिकली नेम शॉर्ट आंसर में ही दिया जाता है। मैं अभी इन सभी ऑप्शन को बारी बारी से डिटेल में ज़रूर बताऊँगा, तो कंप्लीट वीडियो को आप ज़रूर देखते रहें। हाँ दोस्तों यह नाम हो गया, आपको इस ऑप्शन के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। सेम जैसे मैंने अभी नेम का एक फील्ड रेडी किया, आप इसे कॉपी करके जैसे मान लें डुप्लीकेट करना चाहे, कॉपी देखिए नेम के जैसा डुप्लीकेट यहाँ पे दूसरा फील्ड हमारा रेडी हो गया, बट मैं नेम के जगह यहाँ फादर्स नेम करना चाह रहा हूँ, फादर्स नेम, यस। क्योंकि दोस्तों ये भी नाम है तो ये शॉर्ट आंसर में आपको दिखा रहा है कॉपी। अगर मैंने ये गलती से क्रिएट कर दिया तो आप यहाँ से क्लिक करते ही, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगा। रिक्वायर्ड दोस्तों, रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है मैंडेटरी है डालना, अगर मैंडेटरी है तो आप इसे रिक्वायर्ड कर दो, जब तक वो इस फील्ड को फिल नहीं करेगा तब तक ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। लास्ट का दो ऑप्शन ये है डिस्क्रिप्शन, अगर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, अगर मान लो आप फर्स्ट नेम ही केवल चाह रहे हो, मान लो यहाँ लिख दो ओनली फर्स्ट नेम, तो यहाँ वो शो होता रहेगा नाम, तो वो
आपको जो भी यहाँ पड़ेगा फर्स्ट नेम वो उसको दिख जाएगा और यहाँ फर्स्ट नेम वो लिख देगा। अभी मुझे पूरा नाम चाहिए तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दिया। अब दूसरा देखिए, रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे ही हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा मैं आपको इस रिस्पॉन्स वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं अभी दो फील्ड को, चलो एक फील्ड और ले लेते हैं, ऐड कर दिया। हाँ, ये ऐड क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ऐड करना हो तो प्लस वाले साइन पे ऐड करेंगे। टाइटल, ये देखिए, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसमें कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, कोई फोटोग्राफ ऐड करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम कोई वीडियो यहाँ से अपलोड हो सकता है। सेक्शन, ऐड सेक्शन। फ्रेंड अभी मैंने ये जो फॉर्म बनाया ना, अभी एक सेक्शन चल रहा है। अगर हम ऐड सेक्शन करते हैं तो देखिए अब क्या होता है। ऐड सेक्शन, ऐड सेक्शन करने के बाद दोस्त यहाँ से ये हो गया कि फॉर्म हमारा स्प्लिट हो गया, एक सेक्शन ऊपर है और एक सेक्शन नीचे है। चलो फिलहाल तो अभी मैं, हाँ अगर ये सेक्शन गलती से क्रिएट हो गया है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे होगा। यहाँ से देखिए ऑप्शन आ गया, डुप्लीकेट से सेक्शन, मूव सेक्शन, डिलीट सेक्शन एंड मर्ज विद अबव। मैं चाहता हूँ ये सेक्शन नहीं है, ये इसी का एक पार्ट है, तो यहाँ से मर्ज कर देंगे। अभी मैंने गलती से क्रिएट किया तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट सेक्शन कर दिया और ये देखिए दोस्तों डिलीट हो गया। हाँ तो आइए फॉर्म पे चलते हैं। फॉर्म में अब दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ मुझे पता चले, तो वहां लिख दूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। हाँ डेट ऑफ बर्थ, देखिए दोस्तों यहाँ डेट ऑटोमेटिक ये ले लिया है, उसने डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ डाल दिया है, मंथ डे एंड ईयर। दोस्तों ये भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और इसके ऊपर वाले को भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ जेंडर। देखिए दोस्तों जेंडर जैसे मैंने डाला, उसने सजेशन दे दिया मेल फीमेल प्रिफर्ड, तो मैं ये सारे को ऐड कर देता हूँ, ऐड टू ऑल। अगर आप ऐड टू ऑल नहीं करना चाहते, ऑप्शन खुद से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मेल लिखा है मेल, ये भी डालना चाहते हैं ये भी, तो आप यहाँ से सीधा ऐड ऑल कर दीजिए, आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे दे देगा वो। दोस्तों जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल दिया, कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करें, तो कॉन्टेक्ट नंबर। दोस्तों ये बेसिक फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इससे डेटा आप माइन कर सकते हैं, कहाँ से इसे लिंक कर सकते हैं। आप जैसे एक्सेल फॉर्म, गूगल एक्स सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे आप वर्क करते थे, वी लुकअप, एच लुकअप, इफ और बहुत सारे कमांड हैं, क्वेरी कमांड, सारे सीट को मर्ज करना, ये मैं अभी सब सारा बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और ये इसे भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। चलिए दोस्तों एक को मैं रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ, जैसे मान लिया जाए कॉन्टेक्ट नंबर को मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया, रिक्वायर्ड नहीं किया, तो देखते हैं इसका आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जब फॉर्म रेडी हो जाएगा तब देखते हैं। अब एक चीज और दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें स्टूडेंट का फोटो ऐड किया जाए। हाँ तो दोस्तों फोटो ऐड किया जाए। अब देखिए दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो मैंने शॉर्ट आंसर दिया, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट आंसर ये डेट दिया, और ये यहाँ पे अब आप देखिए क्या है, ये मल्टीपल च्वाइस, मल्टीपल च्वाइस मीन्स आपको बहुत सारे च्वाइस मिलेंगे, उसमें एक को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मल्टीपल च्वाइस हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ देखिए चेक बॉक्सेस हैं। अगर चेक बॉक्सेस में चेक बॉक्सेस का यूज़ वहाँ हम करते हैं जहाँ पे
आपको ये लगता है कि दो या तीन ऑप्शन इसमें दिया जा सकता है। जैसे मान लो कोई हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते या फिर कोई और चीज़ की बात करते जिसमें दो या तीन ऑप्शन देने की आंसर देने की ज़रूरत पड़ती, तो वहाँ चेक बॉक्सेस डालते हैं। ड्रॉप डाउन का यूज वहाँ होता है, जैसे मान लो एक लिस्ट दे दिया, उसमें से चूज करके एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं कभी फोटोग्राफ की बात कर रहा था दोस्तों। चलिए मैं फोटोग्राफ स्टूडेंट से मांगता हूँ कि फोटोग्राफ दोस्तों, ये फोटोग्राफ आएगा कहाँ से? फोटोग्राफ अटैच करना पड़ता है, तो फाइल अपलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, फाइल अपलोड का ऑप्शन कर दिया। यहाँ पे हमारा ये देखिए क्या आ गया, लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल टू ड्राइव। फिलहाल दोस्तों मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, ये कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन फोटोग्राफ का। अब आप फोटोग्राफ कितने फोटो ले सकते हैं? चलिए मान ले एक या 5 10, जितने भी फोटोग्राफ आप मंगाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक फोटोग्राफ मांगा, मार्कशीट का फोटो मांगा, या कुछ भी जो भी डिटेल हो, आप मल्टीपल फोटोग्राफ, मैक्सिमम 10 फोटोग्राफ आप ले सकते हैं, या 10 फाइल्स अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम दोस्तों चाहते हैं कि केवल वो फोटो ही भेजे, पीडीएफ फाइल या वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ ना भेजे, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक क्या क्या हम चूज करें, क्या क्या ऑप्शन उन्हें हम दिखाएं कि वो वही चीज़ अपलोड करें। जैसे मान लीजिए मैंने फोटोग्राफ, तो इमेज की बात कर रहा था, इमेज, केवल इमेज, और जिसकी मैक फाइल की मैक्सिमम साइज चलो 1 MB हो, फाइल की मैक्सिमम साइज 1 MB हो, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे भी मैं ऑप्शनली रखना चाह रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं किया। चलिए मैंने इसे रिक्वायर्ड नहीं किया दोस्तों। ये तो फोटोग्राफ का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। कांटेक्ट नंबर, जेंडर, हाँ। तो दोस्तों देखते हैं अपना फॉर्म बना कैसा है। अब यहाँ ऊपर में देखिए, कलर प्लेट, प्रीव्यू, सेटिंग्स। चलिए प्रीव्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे ये पट्टी दिख रहा है, यहाँ से ये ब्लू कलर का, मैं चाह रहा हूँ कि इसे कलरफुल किया जाए। तो कलरफुल करने के लिए ऑप्शन आता है कलर प्लेट का, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये करते हैं तो इसका कलर चेंज ही होगा। मैं मान लिया कि कोई और लोगो देना चाहते हैं, फोटो को ये अपलोड करना चाहते हैं, ऑप्शन में गए। यहाँ देखिए प्री अपलोडेड, बहुत सारे पहले से अपलोड किया हुआ फोटोग्राफ पड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये आ गया, मान लिया जाए एक ये खूबसूरत सा फोटो मैंने ऐड कर दिया, ये इसे सेलेक्ट करके देखिए कितना बढ़िया लग रहा है आपका ये फॉर्म। अब मैं इसे अब देखिए सेटिंग भी बता ही देते हैं। चलिए सेटिंग्स, सेटिंग्स में दोस्तों आप देखिए एक ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। आप चाहते हैं कि जो ये फॉर्म को भरे वो अपना ईमेल आईडी आपको बताए, अगर बताए तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो उसे लॉग इन करना पड़ेगा जब भी ये फॉर्म भरेगा अपने गूगल अकाउंट से। अब रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि एक आदमी एक ही फॉर्म भरे, तो आप इससे टिक मार्क कर देंगे तो एक आदमी एक फॉर्म भरेगा। रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, मैं क्या आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरने के बाद लोग एडिट कर पाए या नहीं? अगर करना चाहे तो टिक कर देंगे, अदरवाइज नहीं। सी समरी चार्ट, क्या उसने जो फॉर्म भरा है उसे आप उसे दिखाना चाहते हैं
समरी के रूप में। चलिए मैंने नहीं दिखाया, मैक्सिमम फाइल आप यहाँ से 10 GB, 100 GB, 1 TB ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा कि अगर आपका 1 TB फाइल अपलोड होता है आपके ड्राइव में, तो ये ऑटोमेटिक फॉर्म वो जो आपने फोटोग्राफ मांगा था वो बंद हो जाएगा 1 TB के बाद। चलिए 1 TB तो बहुत होता है दोस्तों, फिलहाल इसे हम ये सब जब आप क्विज का फॉर्म बनाएंगे तो ये यूज में आएगा। चलिए इसे हम सेव करते हैं दोस्तों। हाँ तो ये अपना फॉर्म भर गया। सेंड का ऑप्शन, सॉरी पहले हम एक प्रीव्यू करते हैं। देखिए दोस्तों कैसा बन गया अपना फॉर्म। ये फॉर्म आपका बन गया, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ देखिए कैलेंडर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा, जिस भी जो भी उसका डेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। चलिए एक फॉर्म भर के देखते हैं। नेम मान लीजिए सुमन, सुमन कुमार। फादर्स नेम अमित कुमार। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार स्टार मार्क्स का जो स्टार मार्क्स आया है वो यह है रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट्स ये आपको देने पड़ेंगे, ये फॉर्म सॉरी ये डेटा आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज ये फॉर्म फिल नहीं होगा। जेंडर मेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एक दो मैंने कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, सॉरी। हाँ दोस्तों एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, कॉन्टैक्ट नंबर में अभी तो मोबाइल 10 अंकों का आ रहा है ना मोबाइल नंबर, लेकिन मैं तो यहाँ बहुत सारा लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। अब इसे सुधारे कैसे, या फिर हम मैक्सिमम 10 डिजिट ही अलाउ करेंगे फॉर्म भरने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर कोड 10 डिजिट ही देंगे, जैसे चलिए वो 10 डिजिट हम कहाँ से करते हैं, ये देखिए कॉन्टेक्ट नंबर। अब ये आ गया रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन देखिए दोस्तों क्या है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं क्या वो वैलिड है। जैसे मान लिया मैंने मांगा था मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, तो मोबाइल नंबर वो नंबर में आएगा, ठीक है। नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट नहीं होगा तो सबसे पहले मैंने नंबर सेलेक्ट किया। अब बिटवीन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट हो गया ये, और मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 9 दे दिया। दोस्तों मोबाइल नंबर तो इसी इन्हीं दो नंबरों के बीच आएगा, और जब वो इन नंबर के बाद कोई भी अंक डालेंगे या पहले कोई अंक डालेंगे तो उन्हें एक एरर मैसेज आए, काइंडली चेक योर नंबर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, चलिए आप फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये रीलोड करते हैं। चलिए अब कॉन्टेक्ट नंबर में देखते हैं कितने अंक तक का लगेगा, 1 2 3। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या आ गया कि जो मैं नंबर डाल रहा हूँ ना
वो बता रहा है काइंडली चेक योर नंबर, ये इट मीन्स नंबर आप गलत डाल रहे हो। देखिए 10 अंकों का जैसे ही हुआ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो ऑटोमेटिक वो एरर बंद हो गया। जैसे मैं एक्स्ट्रा कोई नंबर ऐड करूँगा फिर वो मैसेज आएगा काइंडली चेक योर नंबर। ठीक है दोस्तों, अब ये मैं फॉर्म भरता हूँ फिर से। संतोष नाम का लड़का है, फादर्स नेम एस के तिवारी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से फिल कर दीजिए 2018। अब इसे मैं ऊपर करता हूँ, वाओ ये देखिए ऑप्शन कितने सारे आ गए हैं। दिसंबर, चलिए मैंने एक डेट डाल लिया, मेल कॉन्टेक्ट नंबर डाल ही दिया आपने, फोटो अपलोड फोटो, चलिए अपलोड फोटो में एक कोई सा भी फोटो अपलोड कर लेते हैं। चलिए मैंने ये फोटो डाल दिया, ओपन कर दिया। देखिए ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है, ऐड मोर फाइल, वहाँ पे मैंने 10 किया था, ये किया था, जो भी है अपलोड कर दिया दोस्तों, फाइल अपलोड हो गया और मैं इसे सबमिट करता हूँ। योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। देखिए दोस्तों इस मैसेज को आप चेंज कर सकते हैं, वो कहाँ से चेंज होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों रिस्पॉन्सेस ये आ गया, आपने एक रिस्पॉन्स आपके फॉर्म से एक रिस्पॉन्स आ गया है, वो देखिए संतोष कुमार, तो क्रिएट ए स्प्रेडशीट, आप एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पे भी उस डेटा को ले सकते हैं या फिर एक नया स्प्रेडशीट बना लिए, क्रिएट कर दिए। देखिए दोस्तों क्या हो गया, आपने 20/1/2018 को एक फॉर्म भरा, कॉन्टेक्ट नंबर ये, जेंडर ये, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ का एक लिंक है, ये लिंक है दोस्तों, इससे आप डायरेक्ट उस फोटोग्राफ पे जा सकते हैं जो इस स्टूडेंट ने ऐड किया। दोस्तों मैं इस मैसेज को चेंज करता हूँ, सेटिंग में गया, प्रेजेंटेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, बट मैं चाहता हूँ ये लिखा हुआ है थैंक फॉर योर थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स सेव। अब दोस्तों कोई भी फॉर्म भरेगा तो उसे वो मैसेज दिखाएगा इस मैसेज के बदले,